दोस्तों मीडिया ट्रायल पे लेके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कही बहुत बड़ी बात। जी हाँ, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मीडिया जो है वो इतनी ज़्यादा इस केस में इन्वॉल्व हो रही है, जबकि पुलिस और सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके अलावा। जी हाँ, बिकॉज मीडिया जो है वो सबको पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जो लोगों तक आवाज़ उठानी होती है या लोगों तक पहुँचानी होती है वो काम मीडिया करती है। लेकिन जब मीडिया दूसरे के काम में दखल अंदाजी करती है, तो अभी इस वक्त जो है हर कोई मीडिया ट्रायल की बात कर रहा है। हर चैनल पे अगर आप देखोगे तो यही कहेंगे मीडिया ट्रायल की बात। तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर अभी फाइनली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जी हाँ बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हाँ, मीडिया को फुल परमिशन है कि वो सच बताए और जो कुछ चीज़ें हैं वो उसके ऊपर से पर्दाफाश करे, बिकॉज मीडिया के थ्रू लोग जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और जो लोग हैं वो मीडिया का कहना मानते हैं और मीडिया को इसीलिए हमेशा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इस वक्त जो सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रहा है उसको देखते हुए जी हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि मीडिया को इतनी ज़्यादा भी दखलअंदाजी नहीं देनी चाहिए कि कोई अपने घर ना पहुंच पाए, कोई सेफली अगर कहीं से निकलता है, जैसे सीबीआई ऑफिस से अगर निकली रिया तो वो बिना पुलिस प्रोटेक्शन के अपने घर नहीं पहुँच सकती, लिफ्ट तक उनको पीछे पीछे उनको जाया जाता है, घर में एंटर होने के पहले सवाल जवाब होते हैं और उसके बाद जब सीबीआई से लंबी इंटरोगेशन के बाद निकलते हैं तो उसके बाद मीडिया लगातार सवाल पूछती हैं, उनकी गाड़ी को फॉलो करती हैं। जी हाँ, उनको एक चैन की सांस नहीं दे रही है, जिसकी वजह से अभी जो फैमिली है, या मैं आपको बता दूं कि रिया हो या कोई भी हो, सिद्धार्थ पिठानी हो या कोई भी हो, संदीप सिंह हो फॉर दैट मैटर, उन्हें भी हर जगह जब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल नहीं जाते तब तक उनको रुकाया जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जो मीडिया कर रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों को कहना है कि इतना हद तक फॉलो करना गलत है। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि क्या मीडिया ट्रायल जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि पुलिस ने अगर अपना काम बखूबी नहीं किया तो इसीलिए जो हमारे मीडिया है वो इसे खुद के हाथ में लेकर वो इसका इन्वेस्टिगेट कर रही है, हर फैंस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आखिरकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो बातें रखी है इससे आप लोग कितना एग्री होते हो या नहीं होते हो वो आप हमें बता सकते हो गाइस।